All right, moving in the next exercise, exercise 2.4, chapter 2, polynomials. अभी exercise 2.4 में x plus 1 factor है, तो x plus 1 factor मतलब क्या होगा, x plus 1 is equal to 0, तो x हो जाएगा minus 1, तो हर एक question में, अभी चार question है, तो हर एक question में x की जगह minus 1 put करना है, okay, which of the following is factor, अभी factor कौन सा हो गया है, मालूम पड़ेगा, जिसमें आंसर जीरो आएगा उसमें बोलेंगे इट इज अ फैक्टर, अगर आंसर जीरो नहीं आएगा देन वी कैन से इट इज नॉट अ फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दो, प्लस माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन इज टू ऑड नंबर इज माइनस, प्लस माइनस वन इज टू इवन नंबर इज प्लस, और प्लस माइनस माइनस प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट, माइनस वन प्लस वन कट इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज फैक्टर। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में x की जगह माइनस वन पुट करो, x की जगह माइनस वन प्लस x की जगह माइनस वन का स्क्वायर प्लस x की जगह माइनस वन प्लस वन, अगेन माइनस वन इज टू ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर, फोर है इवन नंबर आएगा प्लस वन, माइनस टू ऑड नंबर इज माइनस वन, माइनस वन इज टू इवन नंबर इज प्लस वन, प्लस माइनस माइनस प्लस वन, वन माइनस वन कट, वन माइनस वन कट, पर वन बच रहा है, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। खाली इतना ही करना है, कुछ भी सेम, कुछ भी ऐसा नया नहीं है, अभी तक सेम टॉपिक ही चल रहा है जो अभी आगे किए थे 2.3 में भी, यहाँ पे भी यही लॉजिक से करना है। यहाँ पे क्या दिया, एक्स एक्स की जगह माइनस वन पुट करें, तो माइनस वन रेस टू फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन रेस टू थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, तो माइनस टू इवन नंबर इज प्लस, माइनस टू ऑड नंबर होगा माइनस वन, और या माइनस टू इवन नंबर होगा प्लस वन, या प्लस माइनस माइनस प्लस वन, तो वन प्लस माइनस माइनस, थ्री वन थ्री, यहाँ पे प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन, थ्री थ्री कट, माइनस वन प्लस वन कट, बट वन बच रहा है, therefore x plus 1 is not a factor। तो आई होप समझ में आ रहा होगा क्या करना है, खाली सिंपल खाली वैल्यू पुट करना, x की जगह माइनस वन प्लस सॉरी माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, x की जगह माइनस वन प्लस रूट टू, माइनस वन इज टू ऑड नंबर माइनस होगा, अभी माइनस वन इज टू इवन नंबर प्लस वन, अब यहाँ देखो ये भी माइनस है और लास्ट में माइनस, ये तीनों एक ही नंबर है, ओके तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, और पीछे वाला टू प्लस रूट टू एज इट इज कॉपी, और पीछे वाला रूट टू एज इट इज कॉपी, क्या किया मैंने, तीनों को मल्टीप्लाई करना था राइट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको एज इट इज लिख दिया, और प्लीज पीछे प्लस रूट टू, और माइनस वन माइनस वन होगा माइनस टू प्लस टू, रूट टू प्लस रूट टू हो जाएगा टू रूट टू, माइनस टू प्लस टू कट, तो आंसर है टू रूट टू, टू रूट टू है, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ चेक करना है, एक्स प्लस वन दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, ये फैक्टर है या नहीं, तो क्या करेंगे पहले एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स हो जाएगा माइनस वन, तो एक्स के जगह माइनस वन पुट करेंगे, पी एक्स के जगह माइनस वन टू, एक्स की जगह माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस वन टू ऑड नंबर इज माइनस, प्लस वन का स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन, तो टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, तो यहाँ पे टू और टू कट, वन और वन कट, तो आंसर जीरो आया, देयर बिकॉज वी कैन से x प्लस वन इज फैक्टर। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन में x प्लस टू दिया, तो क्या करेंगे, सेम x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x हो जाएगा माइनस टू, अभी x की जगह माइनस टू पुट करेंगे, माइनस टू, माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू का क्यूब क्या होगा, माइनस एट, माइनस टू ऑड नंबर माइनस होता है प्लस, माइनस टू इवन नंबर इज प्लस, और प्लस माइनस माइनस सिक्स प्लस वन,
तो यहाँ पे माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन, ये प्लस है ये प्लस है, कितना होगा थर्टीन। ये माइनस है ये माइनस है, कितना होगा माइनस फोर्टीन। 12 + 1 13 होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 8 + 6 14, बड़े नंबर की साइन, तो यहाँ माइनस वन आया। तो आप बोल सकते हैं एक्स प्लस टू इज नॉट अ फैक्टर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स हो जाएगा थ्री, तो एक्स की जगह थ्री पुट करेंगे, तो पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। थ्री का क्यूब क्या होगा 27 माइनस फोर नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स नाइन। अब ये प्लस में ये प्लस में कितना होगा 36 और ये माइनस 36, तो इसका आंसर जीरो आया। देयर फॉर वी कैन से एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर। ओके, तो आई होप ये एकदम सिंपल लग रहे होंगे। अब इसमें यहाँ पे एक्स माइनस वन दिया है क्वेश्चन में, तो क्या करें, सेम एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स कितना आ जाएगा वन, तो एक्स के लिए क्या पुट करना है वन। जब भी क्वेश्चन में फैक्टर दिया हो, उसे उसमें दिया हुआ है कि ये फैक्टर है, फैक्टर है मतलब जीरो इज इक्वल टू लिखेंगे। ओके, और जब भी, या फिर अगर ये भी बोल रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन में के फाइंड करना हो, कोई भी वेरिएबल फाइंड करना हो, के फाइंड करना हो, ए फाइंड करना हो, डी फाइंड करना हो, तो आगे जीरो लिख देना है। एक्स के लिए क्या पुट करना है वन, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के। ओके, तो जीरो इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस के, तो जीरो इज इक्वल टू टू प्लस के, तो टू वहाँ से जाएगा तो माइनस टू इज इक्वल टू के। सिमिलरली सेकेंड में भी आगे जीरो लिख दो, जीरो इज इक्वल टू एक्स के जगह वन, तो के इंटू वन प्लस रूट टू, तो जीरो इज इक्वल टू प्लस के प्लस रूट टू। वन का स्क्वायर वन होता है, टू वन होता है टू, और के वन जा के होता है। अब k को छोड़ के दोनों नंबर को वहां भेज दो, ये माइनस टू हो जाएगा, रूट टू बन जाएगा माइनस रूट टू इज इक्वल टू के। वैसे थर्ड क्वेश्चन में भी आगे जीरो लिख दो पहले। ओके, वैसे भी ये सेम थर्ड क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, तो फिर से आगे जीरो इज इक्वल टू के इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू के, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, के इंटू वन के माइनस रूट टू इंटू वन टू होगा और प्लस वन। अभी रूट टू और वन को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, के को वहीं रखो, तो रूट टू बन जाएगा प्लस, ये प्लस वन बन जाएगा माइनस इज इक्वल टू के। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन, आगे जीरो लिख देंगे, जीरो इज इक्वल टू के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, तो के वन का स्क्वायर वन, तो के वन जा के माइनस थ्री प्लस के, तो माइनस थ्री शिफ्ट होगा तो प्लस थ्री बन जाएगा, के प्लस के हो जाएगा टू के, ये मल्टीप्लाई होता है डिवाइड, थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू के। ऑलराइट, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली कमेंट। थैंक यू।